औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर में आज तरुणन सिंह बघेल नगर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आगामी संक्रांति मेला और उर्स को लेकर दोनों कमेटियों की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों के द्वारा समस्या और सुझाव बताए गए। सागौर में हर वर्ष मकर संक्रांति और उर्स का मेला लगता है। कोरोना काल के बाद यह मेला इस वर्ष लगेगा। 13 से 16 जनवरी यह मेला रहेगा। नगरी निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी और नेताओं को उनके प्रचार मेले में ना करने का आदेश दिया गया है। अगर कोई भी नेता इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उस पर उचित कार्यवाही होगी। बाकी हर वर्ष की तरह शांति से यह मेला आयोजित किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये मीटिंग रखी गई थी क्या विषय? सागौर में 13, 14, 15, 16 मेला और उर्स के कार्यक्रम है। दोनों पक्षों को आयोजक जो समिति है उनको बुला के मीटिंग ली गई। मीटिंग में नगर पालिका और रेवन्यू और एमपीवी सबके अधिकारी यहाँ मौजूद थे। और चूँकि कोरोना काल का पहला मेला है तो उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, इस हेतु कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से मीटिंग रखी गई थी। जो है इसमें तहसील साहबदार साहब ने बताया कि जो चुनावी लोग हैं उन लोगों का प्रचार प्रसार इसमें नहीं होगा। कोई भी कंडक्ट ऑफ कोर्ट का चुनाव के संबंध में वो उल्लंघन करेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर आपका नाम? तरुण सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।